क्या बोलते हो पब्लिक, तो आज की वीडियो कुछ अलग ही होने वाला है क्योंकि आज मैं कुछ अलग ही करने वाला हूँ। तो गाइज अभी है दिवाली वाला सीजन और दिवाली के सीजन में अभी हर कोई फटाके फोड़ता है, बड़े बड़े बम फोड़ता है, तो आज भी मैं वैसे ही कुछ करने वाला हूँ। तो मेरे पास अभी है कुछ बम मतलब दो ही बम है एक्चुअली। मेरे पास एक लक्ष्मी बम है और दो सुतुड़ी बम है जो हर किसी का फेवरेट है। ये दो बम है मेरे पास। तो गाइज अभी मैं इसको फोड़ूंगा और देखूंगा ये फटता कैसे, स्लो मोशन में बिल्कुल रिकॉर्ड करके अच्छी तरह से आपको दिखाऊंगा कि ये फटता कैसे। मुझे भी देखना है, बहुत एक्साइटमेंट है मुझे कि यार ये फटता कैसे मुझे देखना है। सो गाइज अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना ही, ठीक है। सो गए, सबसे पहले मैं लक्ष्मी बम फोड़ूंगा, देन उसके बाद सुतुड़ी बम फोड़ूंगा। सुतुड़ी बम वो जो मैंने आपको दिखा था, जो ग्रीन कलर का बम था इतना वाला, वो उसको कहते हैं सुतुड़ी बम। पता नहीं आप क्या कहते हो, लेकिन हमारे यहाँ तो सुतुड़ी बम बोलते हैं, नहीं ये लक्ष्मी बम है। सो मैं अभी इसको भी रखता हूँ वहाँ पे एंड इसको फोड़ते हैं। तो पता नहीं कैसे फूटेगा, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा फूटने में, पर सुतुड़ी बम में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं इसको रख देता हूँ ऐसे। मैंने बम को भी वहाँ पर रख दिया है एंड अभी उसको फोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने कैमरे को लगाता हूँ ट्राइपॉड पे, और कैमरा जो है मेरा वो कैनन 200D है, और इसमें मैं अभी रिकॉर्ड कुछ इस तरह करने वाला हूँ। शटर स्पीड इसकी पूरी फुल करने वाला हूँ और ISO बढ़ाने वाला हूँ। तो उससे कैसे होगा कि जो शटर स्पीड अगर बढ़ती है, तो अगर कोई चीज़ अगर मोशन वाली होती है, जैसे हमें स्लो मोशन में देखना होता है, या फिर कोई जैसे गाड़ियों का रहता है, गाड़ी का बहुत स्पीड में चलते, अगर हमें उसे रिकॉर्ड करना होता है, तो हम उसे जो है शटर स्पीड बढ़ा के करते हैं। क्योंकि शटर स्पीड का फ़ायदा ये होता है कि वो उतने फ्रेम सेकेंड से, मतलब उतने ज़्यादा फ्रेम सेकेंड से वो रिकॉर्ड करता है। तो उससे हमें हर एक मोशन जो है वो पूरा एकदम स्मूथ और पूरा अच्छी तरह से क्लियर नज़र आता है। अगर हम ऐसे मोबाइल में करते हैं या फिर शटर स्पीड कम करके करते हैं, तो अगर वैसे में किया तो गाइस वो ऐसा होता है कि जैसे कुछ फास्ट चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल में, तो आपको पता ही होगा कि वो ब्लर दिखती है। तो शटर स्पीड बढ़ाने पे वो ब्लर नहीं दिखता है। तो गाइस अभी सबसे पहले मैं जो ट्राइपॉड फट से लगाया, तो बहुत टाइम हो गया अभी, मेरे ख्याल से लाइट डाउन भी हो जाएंगी, अभी शाम का टाइम है। तो मैं अभी पहले लाया हूँ ट्राइपॉड, ये वाला मेरा ट्राइपॉड है एंड अभी मैं इसको लगाऊंगा कैमरे को इसके ऊपर। मैंने इस पर ऑलरेडी ये लगा के रख दिया है, ये ब्रेसलेट होती है ट्राइपॉड की, उससे ईजिली अगर मैंने लगा के रख दिया तो बस मुझे ऐसा करना पड़ता है इसको, और ये कैमरा लग गया। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि मुझे लेंस, क्योंकि इसको दूर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कैमरा उसके पास नहीं रख सकता हूँ, तो मैं इसमें लगाऊंगा बड़ी वाली लेंस। फ्रेंड्स, तो मैंने अभी मेरे कैमरे में बड़ी वाली लेंस लगा लिया है और अभी अभी फोड़ते हैं हम बम को। गाइज वो बम अभी फट चुका है, देन अभी अब देखते हैं कि वो क्या हो गया है उस बम की हालत। ये पूरा उस बम के कागज, और ये इसको क्या हुआ, अरे तो देखो यार, ये इसको बिल्कुल गड्ढा हो चुका है अभी। सही है बिल्कुल एकदम। अभी यार इस पर तो हम अभी सुतुड़ी बम तो फोड़ नहीं सकेंगे क्योंकि इस पर तो ऐसे गड्ढा हो चुका है। सो अभी सुतुड़ी बम को भी हम कहाँ फोड़ेंगे, अभी हम एक काम करें, सुतुड़ी बम को हम यहाँ फोड़ते हैं अभी, और उस बम का देखते हैं कि वो बम कैसे फटता है। सो अभी हम ये वाला बम फोड़ेंगे यहाँ पे रख के, इसको रखते हैं हम यहाँ पे एंड अभी इसको फोड़ेंगे और देखेंगे कि ये कैसे फूटता है।
गाइस बहुत ही भयंकर तरीके से फटा है बम। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसकी क्या हालत हो गई है। पूरे इसके रस्सी अलग हो गए और यहाँ देखो ये पत्थर के ऊपर बिल्कुल एकदम पूरा काला काला निशान आ गया। बिल्कुल पूरा क्लीन था जब मैंने आपको दिखाया पहले, जब इसके ऊपर रखने वाला था तो अभी पूरा काला हो चुका है पत्थर। और इसका और एक हिस्सा यही कहीं गिरा था। चलो मिल गया, नहीं ये भी नहीं है, यहाँ तो बस कुछ रस्सियों का हिस्सा गिरा हुआ है। तो गाइज कुछ इस तरह से फटा ये वाला बम। और तो हाँ मिल गया, ये इधर और एक हिस्सा यहाँ पे गिरा हुआ है। तो गाइज कुछ इस तरह से फटा ये वाला बम, मजा आ गया बिल्कुल। और आप सबको हैप्पी दिवाली। चलो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। वीडियो करते हैं ये पे खत्म।